नमस्ते, मेरा नाम गोपाल कामत है और मैं गेट योर रेस्टोरेंट चैनल का फाउंडर हूँ, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आपका खुद का एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट आप कैसे ओपन करें और मैनेज करें। मैं मल्टीपल रेस्टोरेंट ओनर हूँ और होटेलियर हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब वीडियोस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको अलग-अलग स्टेप्स में कवर किया हुआ है कि आप आपका खुद का रेस्टोरेंट कैसे ओपन करें, कैसे चलाएं और कैसे उसमें से प्रॉफिट कमाएं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई रेस्टोरेंट सक्सीड, मतलब कि रेस्टोरेंट्स सक्सेसफुल क्यों होते हैं, यशस्वी क्यों होते हैं। उसके पीछे तीन चार मेजर कारण है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है, दैट इज हार्ड वर्क। सो मेहनत, ये आपके रेस्टोरेंट को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, और अगर आप मेहनत करें नहीं करेंगे तो उल्टा आपके रेस्टोरेंट को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। सो ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। रोज आप जब भी आपका खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रोज का वो हार्डवर्क होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। बहुत ही कम समय मिलता है आपको आराम करने के लिए एट द इनिशियल स्टेजेस, एक बार जब तक रेस्टोरेंट सेट ना हो जाए। एक बार आपका रेस्टोरेंट सेट हो जाता है, स्टाफ वगैरह सब बराबर हो जाता है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। सो हार्डवर्क अगर आप में करने की ताकत नहीं है, अगर आपको मेहनत करने की आदत नहीं है या ताकत नहीं है, या अगर आपको लगता हो कि आपको एकदम इजी मनी चाहिए, तो आप रेस्टोरेंट खोलने का सोचिएगा भी मत। आप सपने में भी मत सोचिएगा कि आपका खुद का रेस्टोरेंट हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत हार्डवर्क होता है, कंटिन्यूअस हार्डवर्क होता है, फिजिकल हार्डवर्क होता है, मेंटल हार्डवर्क होता है, आपको प्रेशर बहुत आता है। सो अगर आप वो टाइप के थोड़े से माइल्ड टाइप के पर्सन है, जिनको थोड़ा आराम से आपकी जिंदगी जी है और आपको एकदम मेहनत नहीं करना है, तो भूल जाइए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को। आप दूसरा बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप दूसरा कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि आप नहीं टिक पाएंगे। बहुत ही मेहनती मेहनत करने वाला बिजनेस है ये। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार डे बाय डे आपको सेम टू सेम कंसिस्टेंसी में खाना देना होता है आपके क्लाइंट को, तो वो जो टेस्ट का कंसिस्टेंसी है वो आपको मेंटेन करना होता है, और वो टेस्ट का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको सब आपके जो एक्शंस है वो भी मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको खुद का वहां पे रोज का ड्यूटी देना भी मेंटेन करना पड़ता है। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर आप रोज का रोज वैसा का वैसा क्वालिटी अगर आप कस्टमर्स को खिलाएंगे, तो कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनको हर अलग अलग दिन में अलग अलग वैरायटी का खाना नहीं मिलता है, उनको एक टाइप का खाना मिलता है जो उनको फिर अच्छा लगने लगता है, उनका टेस्ट बैठ जाता है उस पे, और वो आपके रेस्टोरेंट में बार बार आने लगते हैं। जितना बार बार रेस्टोरेंट में आएंगे उतना ज्यादा खाना खाएंगे, जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तीसरा इज इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का मतलब ये है, एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपका एक बार रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगे, उसके बाद आपने जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट इन्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। ये एक पॉइंट है जो मुझे, जब भी मैं कंसल्टिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स को सेटअप करके देता था, तभी ये जो इकोनॉमी का पॉइंट है ये बाद में उभर के आता था। जब भी उनका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता था, तभी वो प्रॉफिट से क्या करते हैं, वो प्रॉफिट बचा के रखते हैं क्या, वो इन्वेस्ट करते हैं क्या, या वो सिंपली उड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा, बहुत सारे ओनर्स मुझे ऐसे मिले हैं जिनके लिए मैंने रेस्टोरेंट सेटअप किया, बट उन्होंने उनका प्रॉफिट जो है वो बचा के ही नहीं रखा और वो उड़ा दिया। और जब भी उनका डाउनटर्न आया, जो बिजनेस का अप्स एंड डाउन होता है, जब भी उनका डाउनटर्न आया तभी उनके पास सेव्ड कैपिटल नहीं था या सेव्ड मनी नहीं था, तो वो उनके बिजनेस को बचा नहीं पाए, उनको बंद करना पड़ा बिजनेस। सो ये आपके पर्सनल हैबिट के ऊपर डिपेंड है, आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो। एवरीडे जब भी आपके पास आपके रेस्टोरेंट में 5,000, 10,000, 2,000, 20,000, 25,000 रुपये आने लगते हैं, तो आपका रवैया कैसे होता है पैसे की तरफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जैसे जब भी रेस्टोरेंट खोलने के पहले जैसे चलते हैं, वैसे ही आपने रेस्टोरेंट खोलने के बाद भी वैसे ही चलना चाहिए। पैसे बचाने चाहिए, पैसे सेव करने चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि जब भी आपका जो इंग्लिश में कहते हैं रेनी डे है, जैसे कि बारिश का टाइम होता है, जब भी आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, ज़्यादा पैसा नहीं आता, तभी ये पैसा आपको काम में आ सकता है। और चौथा इज रिड्यूसिंग वेस्ट। वेस्टेज ये नंबर वन एनिमी है रेस्टोरेंट बिजनेस का, ये नंबर वन दुश्मन है रेस्टोरेंट बिजनेस का। इसके लिए है कि मुझे ऐसा
मानना है, मेरा बहुत ही स्ट्रांग मानना है कि वेस्टेज इज योर मनी एंड योर प्रॉफिट्स. तो मतलब जो वेस्ट आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपने, आपका एक अंदाजा है दिन का कि आप दिन में 100 लोग खाना खाएंगे, और मान लीजिए आपके कुक ने 200 लोग का खाना बनाया, तो वो 100 लोगों का जो खाना बनाया उसका जो उसके पीछे जो गैस लगा, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लगे, उसके पीछे जो मेहनत लगी, वो आपका प्रॉफिट था. वो अगर आप नहीं बनाते तो वो आप बचा सकते थे. तो वेस्टेज पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा नया रेस्टोरेंट खोलने के बाद वेस्टेज एडजस्ट करने के लिए, बट एक बार एडजस्ट हो जाएगा ना वो वेस्टेज, उसके मतलब कंट्रोल हो जाएगा वो वेस्टेज, उसके बाद आपको एकदम कौवे की नजर रखनी है उसके ऊपर कि वो वेस्टेज उतना ही होना चाहिए, 2%, 5%, उससे ज्यादा नहीं. 20%, 25% वेस्टेज हो गया तो आपका होटल बंद हो जाएगा. सो मेक श्योर यू आपके गिद्ध की नजर रखे, कौवे की नहीं सॉरी गिद्ध की नजर रखे उसके ऊपर. और वेस्टेज ये आपका नंबर वन दुश्मन है, इसके पीछे आपको हाथ धो के पड़ना है. सो ये जो चार चीजें हैं, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, इकोनॉमी और वेस्टेज, ये चार चीज अगर आप ध्यान में रखें तो आप आपका रेस्टोरेंट बहुत ही उमदा तरीके से चला सकते हैं. मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपका ये हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे जो चैनल पे लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर बार आप और रेस्टोरेंट आपका नया खोलेंगे उसके बारे में नई नई जानकारी मुझसे प्राप्त कर सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेक केयर. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.